आप सब लोग। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर आज की इस मजेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज्यादा जूसी एंड एकदम सॉफ्ट गुलाब जामुन की रेसिपी। बिना खोया के बनाएंगे हम इस गुलाब जामुन को। बिल्कुल हलवाई स्टाइल गुलाब जामुन घर पर आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर किए हैं कि परफेक्ट गुलाब जामुन आप घर पर कैसे बनाएं। तो वीडियो को बिल्कुल आप एंड तक देखिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसके लिए चाशनी तैयार कर लेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए एक पैन में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 कप चीनी। तो चीनी अगर ग्राम्स में हम देखें तो ये लगभग 400 ग्राम मैंने यहाँ पर चीनी ली है। जो मेरा कप है वो 250 ml का कप है और ग्राम्स में चीनी हमने यहाँ पर ये 400 ग्राम के जितना चीनी लिया है। तो 2 कप मैंने यहाँ पर ये चीनी इसमें डाल दी है। अब यहाँ पर हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी हमें डालना है 2.5 कप। 2 कप चीनी है तो यहाँ पर मैं 2.5 कप पानी ले रही हूँ। 1 कप डाल दिया है, इसी के साथ ये दूसरा कप भी डाल दिया है और अब हम इसमें 1/2 कप पानी और डाल देंगे। तो टोटल 2.5 कप पानी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। एक छोटी सी इलायची डाल दी है मैंने हल्की सी क्रश करके। इसी के साथ फ्लेवर के लिए हम थोड़ा सा इसमें केसर के धागे डाल देंगे। केसर डालना ऑप्शनल है यहाँ पे, अगर आपके पास नहीं है तो नहीं भी डालें, आप इसमें चल जाएगा। आप चाहें तो फ्लेवर के लिए इसमें 1 छोटी चम्मच गुलाब जल या फिर केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं। अच्छे से सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे और यहाँ पर गैस को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखेंगे और चीनी को बिल्कुल अच्छे से हम इसमें घुलने देंगे। चीनी जैसे ही अच्छे से इसमें घुल जाए उसके बाद आप इसे 2-3 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लें चाशनी को। गुलाब जामुन की जो चाशनी बनती है वो कोई तार यानी 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी होती है, बिल्कुल पतली सी चाशनी होती है। बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी भी हमें यहाँ पर बनानी नहीं है। चीनी घुलने के बाद आप इसे 2-3 मिनट अच्छे से उबाल लें, अच्छे से इसमें 4-5 उबाले आ जाएँ, बस उतना ही हमें इसे उबालना होता है यहाँ पर चाशनी को। और चेक करने के लिए हम कैसे चेक करेंगे, जो हमारी चाशनी है वो इस तरीके से चिपचिपी होनी चाहिए लेकिन पतली होनी चाहिए चाशनी। बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं चाहिए और कोई तार वाली चाशनी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल पतली चिपचिपी होनी चाहिए। जैसे ऑयल होता है ना चिपचिपा, बिल्कुल वैसी चाशनी हमें बनाकर तैयार करनी है। तो यहाँ पर ये जो चाशनी है अच्छे से हमारी उबल गई है, बिल्कुल बढ़िया चाशनी बनकर तैयार हो गई है हमारी। 8 से 10 मिनट लगता है प्रॉपरली परफेक्ट चाशनी बनाने के लिए गुलाब जामुन के लिए। तो यहाँ पर चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम इसे साइड में रख लेते हैं और यहाँ पर बना लेते हैं हम इंस्टेंट खोया यानी कि मावा। तो इंस्टेंट खोया बनाने के लिए एक कढ़ाई में हम ले लेंगे यहाँ पर 1/2 कप दूध। दूध हमारा यहाँ पर जो होगा वो रूम टेम्परेचर वाला ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म या बिल्कुल फ्रिज से निकला हुआ दूध इस्तेमाल ना करें। साथ ही हम इसमें 1/4 कप डाल देंगे घी। तो मैंने यहाँ पर ये होममेड घी लिया है, आप कोई भी रेडीमेड या होममेड घी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा नहीं, 1/4 कप ही डालना है। अगर टेबल स्पून के हिसाब से देखें तो लगभग 3 टेबल स्पून है ये घी। अच्छे से दूध और घी को हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरीके से थोड़ा सा। और अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर जो हम यहाँ पर डालेंगे वो मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 कप और जो मेरा कप है वो 250 ml साइज़ का कप है। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर ये 1.5 कप यहाँ पर ले लिया है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर और दूध घी इन तीनों चीज़ों को हमें बिल्कुल अच्छे से कुछ इस तरीके से मिक्स करना है ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ यानी कि लम्ब्स ना रहें। तो मिल्क पाउडर आप यहाँ पर डेयरी वाइटनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर ये प्योर मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। अगर आप डेयरी वाइटनर यूज़ कर रहे हैं तो आपको वो जो उसका बैटर यानी जब आप इसे मिक्स करेंगे तो आपको वो थोड़ा सा लिक्विड जैसे दिखेगा, लेकिन अगर आप प्योर यहाँ पर मिल्क पाउडर जैसे कि मैंने यहाँ पर ये प्योर मिल्क पाउडर लिया है तो इस तरीके से मिक्स करने के बाद वो कुछ इस तरीके का उसका टेक्सचर दिखेगा। आप चाहें तो यहाँ पे जैसे डेयरी वाइटनर यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी बहुत ही बढ़िया गुलाब जामुन बनते हैं, और चाहें तो आप इस तरीके से प्योर जो मिल्क पाउडर होता है स्कीम मिल्क पाउडर उससे भी गुलाब जामुन बना सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैंने इसे गैस पर रख दिया है। गैस को बिल्कुल लो रखेंगे 4-5 मिनट के लिए, ऐसे लगातार इसे चलाते हुए हम अच्छे से इसे पका लेंगे। कच्चे मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन कभी भी अच्छे नहीं बनते हैं, तो बिल्कुल आप इस तरीके से इसे पकाइए, उसके बाद ही आप गुलाब जामुन अच्छे से बना सकते हैं। 4-5 मिनट हम लगातार इसे चलाते हुए पका लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, और आप देख रहे हैं इसमें से अच्छे से घी भी निकलने लग गया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम मावा जैसे होता है ना वैसा ही इसका टेक्सचर हो गया है। इसे पकाते हुए 4 मिनट हो गए हैं। तो बस यहाँ पर अब हम इसे गैस को बंद कर देंगे और ये हमारा इंस्टेंट खोया बनकर तैयार हो गया। आप इसका टेक्सचर बिल्कुल देख सकते हैं, जो हम रेडीमेड खोया लेते हैं वैसा ही। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और हल्का सा ये गर्म ही है तो हम इसे यूज़ करेंगे, बिल्कुल पूरी तरह से हम इसे ठंडा करके फिर गुलाब जामुन नहीं बनाएंगे। हल्का सा ये गर्म होगा तभी हम इसमें बाकी की चीज़ें डाल देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसमें डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून के जितना मैदा। यहाँ पर मैदे को मैंने अच्छे से छान के ले लिया है, 3 टेबल स्पून डाल देंगे हम इसमें। तो यहाँ पर लगभग ये 3 बड़े चम्मच मैंने मैदा डाल दिया है, और ध्यान रखें जो खोया है वो हल्का सा गर्म ही होना चाहिए। और अब इसमें हम डालेंगे यहाँ पर बेकिंग पाउडर।
बेकिंग सोडा का यूज नहीं करेंगे हम, सिर्फ यहाँ पर बेकिंग पाउडर डालेंगे। तो एक चौथाई चम्मच हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे, तो 1/4 टीस्पून यानी मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर डाल दिया है। और अब इसमें बहुत ही बढ़िया से एक फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ एक छोटी चम्मच के जितना गुलाब जल। गुलाब जल डालना यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ज़रूर से डालिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं आप इसकी जगह पे, या फिर आप चाहें तो सिंपली इसमें आधी छोटी चम्मच इलायची का पाउडर डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। तीनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हल्का सा ये गर्म ही है। और अब हम इसमें डालेंगे लगभग 2 से 3 चम्मच दूध। तो यहाँ पर ये हल्का सा वार्म दूध लिया है मैंने, दूध की जगह पर आप पानी भी डाल सकते हैं इसमें। तो 2 चम्मच मैंने दूध डाल दिया, अच्छे से इसे मिक्स करते हुए एकदम सॉफ्ट सा हम एक डो लगा लेंगे। तो बिल्कुल ये डो जैसा बन गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बाइंडिंग आ गई है इसमें। और अब हमें इसे बिल्कुल अच्छे से चिकना यानी कि स्मूथ करना है, ताकि जो अब हम गुलाब जामुन बनाए तो उसमें बिल्कुल भी क्रैक्स ना रहे। कुछ इस तरीके से 2-3 मिनट के लिए हम इसे बिल्कुल अच्छे से स्मूथ कर लेंगे, और बिल्कुल बढ़िया सा एकदम स्मूथ सा इसका टेक्स्चर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये मैंने बना लिया, इसे 2-3 मिनट के लिए अच्छे से बिल्कुल एकदम स्मूथ कर लिया है। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेकर हम यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से गुलाब जामुन बना लेंगे, कुछ इस तरीके से। आप अपने पसंद के हिसाब से छोटे या बड़े साइज के गुलाब जामुन तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसके बॉल्स बनाएंगे, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें कोई क्रैक नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जब हम गुलाब जामुन बनाएं तो इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए कुछ इस तरीके का। तो बस ऐसे ही हम यहाँ पर सारे ये बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल स्मूथ से हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगे। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने यहाँ पे गरम कर लिया है। तो ऑयल में मैंने यहाँ पे एक छोटा सा इसमें पीस डालकर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऑयल कैसा गरम होना चाहिए। जब आप इसमें गुलाब जामुन डालें तो वो एकदम से ऊपर उठकर नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब जो आपका ऑयल है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर आप ऑयल को गर्म कीजिए, और आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्के हल्के से इसमें बबल्स आ रहे हैं, लेकिन ये ऊपर नहीं उठ रहा है, तो कुछ देर के बाद ये ऊपर आना चाहिए। तो इस तरीके से आपका ऑयल गर्म होना चाहिए। अगर आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो जैसे ही आप इसमें गुलाब जामुन डालेंगे वो एकदम से ऊपर आ जाएगा, और एकदम से कलर उसका डार्क हो जाएगा। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे आप ऑयल को गर्म कीजिए, हल्का सा गर्म होना चाहिए ऑयल। आप उसमें डालें तो हल्के हल्के से बबल्स आने चाहिए जब आप गुलाब जामुन को उसमें डाल रहे हैं। तो बस गुलाब जामुन डालने के बाद आप क्या करें, कुछ इस तरीके से किसी भी चम्मच या स्पैचुला से जो ऑयल है उसे कंटिन्यूअसली इस तरीके से घुमाते रहें। आपको गुलाब जामुन को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, आपको क्या करना है, बस ऑयल है ना, उसे ऑयल को बस इस तरीके से आपको घुमाते रहना है। इससे ये होगा जो आपके गुलाब जामुन है बिल्कुल चारों तरफ से उन पर इवन कलर आएगा, एकदम एक जैसा कलर आएगा, कहीं पर डार्क कहीं पर लाइट कलर बिल्कुल नहीं आएगा। आपके सारे गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगे, और ये बिल्कुल हलवाई लोग भी ऐसे ही करते हैं। और आप जितने हैंडल कर सकते हैं गुलाब जामुन कढ़ाई में उतने ही डालिए, बहुत ज़्यादा एक टाइम पर ना डालें। कुछ इस तरीके से ऑयल को मिक्स करते रहेंगे, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो आपके गुलाब जामुन है बिल्कुल लो फ्लेम पे कुछ इस तरीके के उन पे धीरे धीरे से कलर आते जाएगा, और चारों तरफ से एक जैसे कलर के हमारे गुलाब जामुन अच्छे से फ्राई होकर तैयार होंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल सब गुलाब जामुन पे इवनली कलर आया है, बिल्कुल भी कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट कलर नहीं है। तो बिल्कुल इस तरीके से ऑयल को आप मिक्स करते रहें, चलाते रहें, और लो फ्लेम पर हमें गुलाब जामुन को फ्राई करना है बिल्कुल बढ़िया सा एक कलर आने तक। तो आप देख सकते हैं सारे गुलाब जामुन पे बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेंगे, और सीधा हम इसे डालेंगे चाशनी में। तो चाशनी में जब आप गुलाब जामुन को डाल रहे हैं तो ध्यान से चेक कर लें, चाशनी हल्की सी वार्म यानी कि हल्की सी गर्म होनी चाहिए कि आप उसे टच कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्म चाशनी भी नहीं चाहिए, और बिल्कुल ठंडी चाशनी में भी आप गुलाब जामुन को ना डालें। हल्की सी वार्म चाशनी होगी ना उसमें आप गुलाब जामुन डालें, इस तरीके से डायरेक्टली आप कढ़ाई से निकालें और उसमें चाशनी में डाल दीजिए। सेम तरीके से हम सारे गुलाब जामुन को फ्राई करके तैयार कर लेंगे। अब देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा इस पर कलर आ गया है, और इस तरीके से लो फ्लेम पे ही आप सारे गुलाब जामुन फ्राई करें और सीधा इसे चाशनी में डालते जाएं। तो यहाँ पे मैंने सारे गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो 20 से 25 मिनट के लिए हम ऐसे ही इसे चाशनी में रहने देंगे। और अगर आपको भी बिल्कुल ऐसे फूले फूले से गुलाब जामुन खाना पसंद है तो आप क्या कर सकते हैं, 20-25 मिनट ऐसे ही चाशनी में गुलाब जामुन डालने के बाद छोड़ दें। उसके बाद आप क्या करें, इसे थोड़ा सा गर्म कर लें, इन्हें चाशनी में एक उबाला आने तक, या फिर 2-3 मिनट के लिए हल्का सा चाशनी को गर्म कर लें। तो उससे क्या होगा, जो आपके गुलाब जामुन है ना बहुत ही ज़्यादा फ्लफी और एकदम से फूले फूले बनेंगे। तो मैंने इसे 20-25 मिनट के लिए नॉर्मली चाशनी में रहने दिया, उसके बाद मैंने इसे
इस तरीके से 2 मिनट के लिए अच्छे से गर्म कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गर्म हो रहे हैं और बिल्कुल हल्का सा इसमें चाशनी में उबाल आने देंगे। आप चाहें तो इसे 2-3 मिनट के लिए उबाल भी सकते हैं, उससे आपके जो गुलाब जामुन है बहुत ही ज़्यादा फ्लफी एकदम फूले फूले बनेंगे। तो यहाँ पर बस इसे मैंने 2 मिनट के लिए अच्छे से चाशनी को गर्म कर लिया है और इसमें अच्छे से एक उबाल आने दिया है। और बस यहाँ पर अब गैस को हम बंद कर देंगे और अब हम इसे ढक कर लगभग 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद फिर हम इसे सर्व करेंगे। अगर आपको गर्म गर्म गुलाब जामुन खाना पसंद है तो जब भी आपको सर्व करना हो तो आप एक बार इसे अच्छे से चाशनी में गर्म कर लें और फिर सर्व कर सकते हैं। तो लगभग 4 घंटे के लिए मैंने यहाँ पर गुलाब जामुन को रख दिया था और आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम फ्लफी और एकदम सॉफ्ट एकदम जूसी हमारे गुलाब जामुन बनकर पूरी तरह से तैयार हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया इन पे कलर आया है और एकदम फूले फूले बने। हमने बहुत ही छोटी साइज के गुलाब जामुन बनाए थे और ये फूल कर एकदम बढ़िया से एकदम फ्लफी और एकदम टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा जूसी सॉफ्ट हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं अंदर तक बिल्कुल ये पके हैं और आप देख सकते हैं इस पे अंदर तक जो इसकी चाशनी है वो गई और एकदम जूसी दिख रहे हैं। यकीन मानिए बिल्कुल हलवाई स्टाइल आप ये घर पर बहुत ही आसानी से गुलाब जामुन बना सकते हैं। जो भी टिप्स मैंने आपको वीडियो में बताई है परफेक्ट गुलाब जामुन को बनाने के लिए आप उन्हें फॉलो कीजिए और इस तरीके से आप भी इन गुलाब जामुन को घर पे बनाइए बिल्कुल हलवाई स्टाइल। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह की और भी रेसिपीज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।